हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यासिर अली क्लासेस। आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ट्रांसपोजो मैट्रिक्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, उनको वेरीफाई भी किया था यूजिंग द क्वेश्चन। इस वीडियो में आज हम ट्रांसपोजो मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे और किस तरीके से वो एक्सप्रेस की जाती है और उसकी कुछ एक दो क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्री मैट्रिक्स होती क्या है पहले ये देखते हैं, कैसे एक्सप्रेस की जाती हैं, ठीक है, उसके बाद फिर इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स देखेंगे। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सिमेट्री मैट्रिक्स जो कंसीडर होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सच एज ए इक्वल टू ए आई जे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ए को स्क्वायर मैट्रिक्स एज्यूम कर लिया है जो कि ए आई जी की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा रही है। अब मुझे इसको इस ए आई जी मैट्रिक्स को मुझे सिमेट्री मैट्रिक्स देखना है किस तरीके से होगी, तो वो देखते हैं। अगर हमारे पास इफ ए आई जे इज रिप्रेजेंट यूजिंग द ए जे आई, ए आई जे अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है आई जे ऑर्डर की, तो उसको अगर जे आई ऑर्डर में चेंज कर देते हैं आप और वही मैट्रिक्स मिल जाती है सेम मैट्रिक्स, देन आप कह सकते हैं कि सिमेट्री मैट्रिक्स है। इसको डेफिनेशन को और क्लियरिफाई करने के लिए हम कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अगर वो इक्वल आ जाती है ए के ट्रांसपोज के, इसको ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि रो को कॉलम में चेंज कर दिया तो आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाता है, जो कि हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब इसी टॉपिक के अंदर हम देख रहे हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम क्या करना पड़ेगा, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसको एक्सप्रेस करने पर अगर उसका ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स रिपीट होती है तो हम कह सकते हैं वो सिमेट्री मैट्रिक्स कंसीडर होगी। इसके लिए देख लेते हैं, अगर मान लीजिए 2i2 की कोई ऐड मैट्रिक्स एज्यूम कर लीजिए आप, a इक्वल टू 1 2 1 2 2 3, ये 2i2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये 2i2 टू रो टू कॉलम है, और इसको अगर एक्सप्रेस आप देखें तो इसका मैं आपसे कहूं कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा, a का ट्रांसपोज क्या होगा, तो आप देखने वाली बात है इसको रो को कॉलम में ले आइए, तो 1 2 एंड 2 3, तो इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में क्या चेंजेस आए, कोई चेंजेस नहीं है, गौर से देखिए आप 1 2 1 2 2 3 2 3, तो इसका मतलब क्या हुआ है ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज हो गया सर आपका ये। तो ऐसी मैट्रिक्स वाली मैट्रिक्स जो कंसीडर होंगी, इन मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, सिमेट्री मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले करना क्या है कि अगर ए के स्क्वायर मैट्रिक्स ए है हमारे पास, उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, ट्रांसपोज निकालना मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देना है, उसके बाद हम देखेंगे अगर वो मैट्रिक्स सेम रिपीट हो रही है तो उसको हम सिमेट्री मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स को कंसीडर करना हो या कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब उसके लिए भी हमें समझना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए इक्वल टू आई जे, ठीक है, सेम डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि अगर हमारे पास ए इक्वल टू आई जे है तो इफ ए आई जे इक्वल टू माइनस का ए जे आई, इसमें ये रिप्रेजेंट समझना पड़ेगा हमें कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए आई जे ऑर्डर की है, आई जे ऑर्डर की है एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पे ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ध्यान रखने वाली बात है, तो अगर ए जो मैट्रिक्स स्क्वायर ऑर्डर की है, 2i2 की है, 3i3 की है या 4i4 की, जो भी मैट्रिक्स है आपके पास, उसका ऑर्डर अगर करने पर नेगेटिव साइन मिल जाता है, बाहर नेगेटिव कॉमन आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स कंसीडर होगी। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है, ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज, माइनस ए का ट्रांसपोज, तो मैंने क्या बताया, अगर ये ही मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज होती सिमेट्रिक हो जाती, और ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज हो गया तो क्या हो गया हमारे पास, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स कंसीडर हो गई आपकी। कैसे देखेंगे इस चीज को, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मान लीजिए ए इक्वल टू,
अगर हम लास्ट वीडियो लास्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें जो सिमेट्रिक में हमने देखा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था हमारे पास, 1 2 2 3। अगर मान लो इसी को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे कि वो चेंजेस रहे, माइनस कॉमन आ जाए। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सर ए आपके पास ये है, माइनस लगा दीजिए आप यहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो मैं आपसे कहूँ क्या आ जाएगा इसमें से, यहाँ पे आप पे दोनों पे माइनस टू लगा दीजिए आप, क्या आ रहा आपके पास, आता कुछ, देखते हैं क्या बनता है। तो अगर हमारे पास ए आता है, ठीक है, हमारे पास दोनों में अगर माइनस कॉमन ले लिया आपने, या तो ए का ट्रांसपोज कितना निकल जाएगा आपके पास, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा आपके पास 1 1 -2 -2 और 3। ये तो क्लियर बात है कि सिमेट्रिक तो हो गई है, लेकिन अब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लूँ इस मैट्रिक्स में से तो क्या आएगा मेरा, माइनस कॉमन ले लूँगा तो मैं, तो कि माइनस कॉमन ले रहा है तो बन, क्या मेरे बन रही है मैट्रिक्स ये, तो ए का ट्रांसपोज अगर मैं लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ इस मैट्रिक्स से बाहर ले लेता हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा -1 2 2 और 3। तो अब ये मैट्रिक्स क्या मेरी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंसीडर हो रही है, गौर से देखिए आप, जो मैट्रिक्स एज्यूम की थी, जो मैट्रिक्स एज्यूम की है, नहीं वो नहीं हो रही है आपके पास, वो मैट्रिक्स नहीं आ पा रही है। मतलब ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज जो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए वो चाहिए मुझे। तो सर अब इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे मैट्रिक्स में, अगर मुझे ये मैट्रिक्स बनानी हो इसमें, तो सर माइनस का मल्टीप्लाई फिर दोबारा कर दीजिए आप, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर और कोई मैट्रिक्स ले सकते हैं आप जो कि 3x3 ऑर्डर की हो, या 2x2 ऑर्डर की और कोई मैट्रिक्स हो जो कि इसकी सिमेट्रिक्स बन रही हो, लेकिन कंडीशन यही रहनी चाहिए। तो ये एग्जांपल और ले सकते हैं हम, तो इस केस में तो ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि इसने ये कंडीशन वेरीफाई नहीं करी, ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज। गौर से देखिए ये दोनों मैट्रिक्स अलग अलग आ रही हैं, ठीक है। अब दूसरी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान लीजिए एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमने ये ले ली, किस तरीके से, अगर मान लीजिए ए इक्वल टू हमने ले लिया, ए इक्वल टू हमारे पास 0, ठीक है, -2 और 5। एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ इसको, और 2 0 -3 और -5 और 3 और 0। ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है मेरी, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसको देखते हैं हम किस तरीके से बनेगी, क्या ये है। तो सर सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए आप, ट्रांसपोज निकाला आपने, क्या आया, जो रो थी वो कॉलम में चेंज गया, तो 0 -2 और 5, या फिर 2 0 और -3, या फिर -5 3 और 0। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए आप पूरे में से, तो माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया है तो 0 0 रहा, ये -2 हो गया आपके पास, ये प्लस का 5 हो गया आपके पास, माइनस कॉमन लिया तो कितना आ गया, 2 आ गया, जो माइनस का था प्लस का हो गया, 0 का 0 रहा, ये -3 हो गया आपके पास, ये आपके पास 5 है तो -5 हो गया आपके पास, ये -3 है तो +3 हो गया आपके पास, 0 हो गया। अब देखिए गौर से, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं, लेकिन रो कॉलम में चेंज, सेम मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है और सेम मैट्रिक्स है, लेकिन इसका ट्रांसपोज जो है वो डिफरेंट हुआ। तो इसका क्या मतलब क्या हुआ कि अगर आपका ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज निकल के आ चुका है, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, मैं ट्रांसपोज को डिफरेंट इसलिए बोला क्योंकि आप देखिए इस मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज करते हैं तो इसमें साइन की चेंजेस आ रहे हैं, साइन चेंज करने के लिए मैंने माइनस कॉमन लिया, तब से मैट्रिक्स निकल गया ये मेरी। तो इसका मतलब क्या है, जब साइन के साथ अगर मैट्रिक्स निकल के आ रही है तब हम इसको सिमेट्री मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई। अगर ए आई जे इक्वल टू माइनस का ए जे आई है तो आपके पास इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स कंसीडर होगी, और ए आई जे इक्वल टू ए जे आई है तो आपका सिमेट्री मैट्रिक्स कंसीडर होगी। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं इसका हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं सबसे पहले, तो ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी थ्योरम और है इसकी, वो भी देखेंगे हम किस तरीके से है। सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स का, तो फिर किस तरीके से, ये देखिए मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूँ किस तरीके क्वेश्चन है, वो देखिए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए का ट्रांसपोज
इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, इस तरीके के कई वर्ड प्रॉब्लम जो है एनसीईआरटी में भी गिवन है, आपको तीन चार प्रॉब्लम दे रखी है आपकी, और भी आरडी शर्मा कई आप साइड बुक देखेंगे तो उसमें प्रॉब्लम दे रखी है आपको। सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, छोटा सा क्वेश्चन निकल के आता है कि सर अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए दे रखी है, अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो वेरीफाई कीजिए कि अगर वो सिमेट्रिक है तो अदर जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगी और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो उसके बिहाफ पे ही मैंने ये क्वेश्चन लिया है, किस तरीके से ऑन एनी फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर आपके पास कहीं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है विद रियल नंबर एंट्रीज, उसके अंदर जो एंट्रीज है वो रियल नंबर्स है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्री मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स। अब हमें डेफिनेशन पता है किस तरीके से, वो सॉल्यूशन देख लेते हैं। चूंकि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, अगर अगर हमारे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस केस में अगर हम ये देखें कि सर हम ए का ट्रांसपोज अगर इस मैट्रिक्स की बात करें, ये सिमेट्रिक होगी, ये सिमेट्रिक करनी है हमें, तो कैसे सिमेट्रिक होगी सर? सिमेट्रिक का मतलब होता है कि सर अगर फॉर सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक क्या कंडीशन होती है, फॉर सिमेट्रिक कंडीशन होती है कि सर ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, जैसा हम जानते हैं यही तो होता है। तो अगर मान लीजिए ये मैट्रिक्स में सिमेट्रिक करनी है तो a प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a प्लस ए का ट्रांसपोज आना चाहिए मेरा। अगर ये चीज़ वेरीफाई होती है तभी मैं कह सकता हूँ कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंसीडर होगी। देखते हैं तो LHS ले लेते हैं इसका, तो a प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो हमने जब हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a प्लस b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, a का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो उस प्रॉपर्टी को यहाँ फॉलो करेंगे हम, कैसे, ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस सॉरी प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, क्योंकि अब बता दोगे ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ओके स्टूडेंट, ये आ गया आपके पास। अब देखिए क्या होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई आपकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कौन सी थी आपकी, किसमें, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, अगर ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा ए, क्योंकि ए इक्वल टू होता है ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये भी आप प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने। तो क्या आ गया आपके पास, ए प्लस ए का ट्रांसपोज आया नहीं आया, तो हमने क्या देखा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करने पर हमारे पास वही आ गई मैट्रिक्स जो हमने इनिशियल करी थी हमने। ओके स्टूडेंट, तो ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज आ गया, हैंस इट इज सिमेट्रिक सिमेट्री मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तुम्हारी ये सिमेट्रिक मैट्रिक कंसीडर होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, वो ए सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स। तो इसी तरीके से जैसे हमने देखा है फॉर सिमेट्रिक क्या किया है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू हमारा क्या आना चाहिए, माइनस निकल के आना चाहिए। तो वो प्रॉपर्टी देखते हैं क्या आती कंडीशन उसके लिए। देखिए किस तरीके से, अगर मान लीजिए मतलब उसी कंडीशन में आगे बढ़ रहे हैं हम, इसी न्यूमेरिकल में है कि हमारे पास लेट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट क्या ए है ही हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है देन फॉर स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास, तो हो जाएगा हमारे पास ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, या हम कह सकते हैं
और कह दो तो ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज। दोनों केस में भी कंडीशन वही है आपका, इधर माइनस वन का मल्टीपाई करेंगे वो साइड तो वही चीज आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखना पड़ेगा इस मैट्रिक्स के लिए, तो अगर हमारे पास इसकी बात कर रहे हैं तो फॉर ए माइनस ए का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो हमारे पास अगर ये निकल के आ जाता है माइनस ए का ट्रांसपोज, तब हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो होगी वो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स कंसीडर होगी, अगर इस तरीके से आ जाता है। क्या कि a माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लीजिए आप, तो अगर माइनस कॉमन लेने के बाद सेम मैट्रिक्स आ जाती है तभी आप इसको स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। कैसे वो देखते हैं, इसका LHS ले लीजिए, a माइनस ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कीजिए, फिर वही प्रॉपर्टी लगाइए, a प्लस बी या a माइनस बी वही प्रॉपर्टी लगती है, तो क्या आएगा a का ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है। क्योंकि a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होता है हमारे पास, वो a होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट आगे बढ़े, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, ए, ये भी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होता है हमारे पास, ए होता है, ठीक है। इसमें से आपने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस बाहर ले आइए, तो क्या हो जाएगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, ये हमारे पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो गोल देखिए क्या बनता है आपके पास, सेम मैट्रिक्स आ रही है जैसे कि मैंने बात की थी आपके पास, अगर आपके पास माइनस ए का ट्रांसपोज आता है, अब क्या लिखेंगे इसे हम, हैंस इट इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, ओके स्टूडेंट्स। तो आपने देख लिया, इसी तरीके से आप और भी न्यूमेरिकल्स हैं और भी बड़ प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी के अंदर मिसक्लीनियस के अंदर दे रखे हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए और प्रॉब्लम आए मुझसे पूछिए। अब इसमें देखते हैं सर, इसमें एक बेसिक थ्योरम आ जाती है निकल के सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स के साथ। वो बेसिक थ्योरम क्या है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो, किस फॉर्म में कर सकते हो वो देखते हैं आप। ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है, आपने देख लिया किस तरीके से सॉल्व हुआ है, हमने दोनों मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और इसको सिमेट्री मैट्रिक्स प्रूफ किया है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक बेसिक थ्योरम की, बेसिक प्रॉपर्टी कह सकते हो, थ्योरम कह सकते हो इस चीज़ को। वो प्रॉपर्टी क्या है कि सर अगर मान लीजिए लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, देन इट कैन बी एक्सप्रेस, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, किस फॉर्म में ला सकते हैं इसे हम, वो देखिए हम ये कर सकते हैं एक्सप्रेस करने के लिए a इक्वल टू वन अपॉन टू, ये कह सकते हैं a प्लस a का ट्रांसपोज अपॉन टू माइनस ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल माइनस या प्लस वन बाई टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इसको भी ऐसे लिखो जिस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ओके, वेयर वेयर ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये भी हमने देख रखा है, एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने क्या देखा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए का, इन दोनों का सम जो होगा उन दोनों का सम करके अगर हाफ कर देते हैं तो आपका देखने वाली बात है आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी, मतलब जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करी गई होगी आपकी। इसके लिए आप एक न्यूमेरिकल देख सकते हैं, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, मान लीजिए हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं 2x2 ऑर्डर की, और फिर देखते हैं इन केस में किस तरीके से वो एक्सप्रेस की जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सप्रेस करने का तरीका है, तो वही देखेंगे हम। अगर हम बात करें कोई मैट्रिक्स ले लीजिए आप, ए इक्वल टू ले ली स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 3 4 स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज होगा मेरे पास
अगर ए का ट्रांसपोज बात करूँ, लेकिन एक एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें, इसमें सिमेट्रिक की बात कर रहा है, यहाँ पे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए और यहाँ पे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो इसके लिए हम बात कर सकते हैं कि सर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही लेनी पड़े। अगर दोनों मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी तभी इनका सम ए निकल के आएगा हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर बात करें हम यहाँ पे ए का ट्रांसपोज की बात करें, ए का ट्रांसपोज तो आपने कर दिया, चलो ए का ट्रांसपोज मान लेते हैं आपके, तो जनरली क्या होगा हमारे पास 1 1 3 2 4। तो क्या ये है सिमेट्रिक दोनों का ऐड करने के बाद? देखते हैं सर सिमेट्रिक है या नहीं है, पहले तो ये बात समझ में आएगी। तो देखते हैं सर क्या आएगा, तो a प्लस ए का ट्रांसपोज ये हो जाएगी हमारे पास, पहले निकालते हैं क्या होता है इसमें, पूरा वेरिफिकेशन करेंगे इसका तब देखेंगे इसमें क्या बनती है बात। तो हमारे पास आ गया 1 + 2 हो गया, 2 + 3 5 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 4 + 4 8 हो गया। अब देखिए और से 1 + 1 कितना, 2 हो गया, 2 + 3 5 हो गया, और 3 + 2 5 हो गया, 4 + 2 8 हो गया। ओके, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं यहाँ पे हम किसी भी तरीके से, अब एक्सप्रेस कीजिए। अब मान लीजिए a माइनस a का ट्रांसपोज कर लेता हूँ, a माइनस a का ट्रांसपोज क्या रहा हमारे पास वो भी देख लेते हैं, a माइनस a का ट्रांसपोज। तो a माइनस a का ट्रांसपोज करता हूँ मैं, तो 1 - 1 0। ओके स्टूडेंट्स, 1 - 1 0 ठीक है सर। उसके बाद 2 - 3 - 1, 3 - 2 1, 4 - 4 0। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास। तो अगर इनका हाफ कर देते हैं, तो अब अगर देखने वाली बात यह है कि इसमें अगर 1/2 को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 5 5 8 कितना आएगा हमारे पास, ये 1 आ जाएगा, ये हमारे 5.2 आ जाएगा, ये हमारे पास 5.2 आ जाएगा, ये हमारे पास 4 हो जाएगा। और इसी तरीके से हम 1/2 इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया हाँ 0 - 1 - 1 चल रहा है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ 1 है, ये 0। अब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो अगर आप जोड़ रहे हैं इनको, अगर आप इनको जोड़ के देखेंगे तो देखते हैं कितना आता है, इन दोनों को ऐड करिए आप, तब क्लियर होगी कॉन्सेप्ट आपकी कितनी क्लियर बन रही है। तो देखते हैं हम, इधर देख सकते हैं आप, देखिए 1 5/2 5/2 और 4। ओके स्टूडेंट्स, प्लस 0 - 1/2 1/2 0 जोड़ेंगे, 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 + 0 1, 5.2 और ये 5.2 और माइनस का 1/2, तो 5.2 - 1/2 ये आप जोड़ेंगे, 5.2 + 1/2 ये आप जोड़ेंगे, 4 + 0। ओके स्टूडेंट, कितना आया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 1 और 4, 5 में से 1 क्या था 4, 4 / 2 कितना 2 आ गया हमारे पास, ये आया 5 + 1 6 6 3 आ गया हमारे पास, ये 4 आ गया। तो देखने वाली बात है सर हमारा क्या लिया, जो हमने एज्यूम की थी, अब गौर से देखिए, हैंस ए इक्वल टू, यही ए था हमारा, यही ए था हमारे पास ए इक्वल टू, हमने क्या किया ए प्लस ए का ट्रांसपोज का अपॉन 2 प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज का होल अपॉन 2, ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा किस तरीके से सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन की जाती हैं, उनको कैसे न्यूमेरिकल वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व किया जाता है, वर्ड प्रॉब्लम मतलब जिस तरीके से उसमें दे रखा होगा, आपको कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी होगी, आपसे कहा जाएगा इस मैट्रिक्स अगर ये स्क्वायर है, ये सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होगी, या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से, और ये बेसिक थ्योरम है हमारे पास, जिसको आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को भी कभी भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस करना हो, सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर एक्सप्रेस करना हो तो आप इस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टूडेंट्स को बताइए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, क्योंकि टाइम चल रहा है सीधे सीधे और आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करता रहना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।